ये जुबान है जो आपके करेक्टर को डिसाइड करती है। मैं कुछ बोलूंगा तो आप मुझे जज करोगे और उससे मुझे भी फर्क पड़ेगा कि यार मैंने ये कह दिया कहीं गलत तो नहीं कह दिया, मैंने ये बोल दिया कहीं गलत तो नहीं बोल दिया। मैं खुद जजमेंटल रहूंगा। जब मैंने कुछ बोला ही नहीं किसी को तो व्यक्ति को जो सोचना है सोचता रहे। दिन में कुछ समय मौन रहना सीखिए। मौन आपको अंतर ध्यान होने में सबसे अधिक मदद करेगा। और सियाने कहते हैं कि अधिक बोलने से तो मृत्यु भी आ सकती है। सच में क्या आपको पता है कि बोलने से जो व्यक्ति बड़बोला होता है उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। ऐसे ही एक राज दरबार में एक विद्रोह हुआ। एक व्यक्ति उनका लीडर बनके, विद्रोहियों का लीडर बनके राज दरबार में विद्रोह करने लगा कि हमें ये सुविधाएं नहीं देते, हमें ये सुविधाएं नहीं देते, हम अपना अलग से कल्चर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें। ये राजा ऐसा है, इसके राज में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमें राजा को बदलना है। राजा ने उसको बंदी बनाकर फांसी की सजा सुना दी। उसकी फांसी का दिन आया, उसके चेहरे को ढका गया, रस्सी से उसके गले को बांधा गया और उसको लटका दिया गया। जब उसको लटकाया तो रस्सी टूट गई, बच गया। एक नियम होता है कि जब रस्सी टूटती है तो उसे यह समझा जाता है कि यह परमात्मा का आदेश है, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई। बहुत कम होता है ऐसा। उसका मरना कैंसिल हो गया। जब रस्सी टूटी वो नीचे गिरा, उठकर हंसकर बोलता, देखा मैंने तो कहा था कि इस राज दरबार में कुछ भी अच्छा नहीं है, इनसे तो ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती। जब राजा को यह पता लगा तो राजा कहता, अब इस चीज को इसका दंड दिया जाए और इसे दिखाया जाए कि हमारी रस्सी कितनी मजबूत है। उसे अगले दिन फिर लटका दिया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो ज्यादा बोलना भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। चुप रहना, संयमता में रहना आपको समृद्धि देता है, आपको यश देता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनके चेहरे पर तेज देखेंगे और देखोगे कि वो बड़े शांत रहते हैं, बाहर से फालतू नहीं बोलते। हम तो चटर पटर करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन वो शांत रहते हैं। उनका दिमाग दौड़ता है, सिर्फ मुंह नहीं बोलता। जब आप ज्यादा ऐसे ही बोलते हो ना, इसका मतलब आप बस बोलते ही हो, करते नहीं। मेक योर एक्शन स्पीक, इस चीज के ऊपर ध्यान करेंगे। ठीक,